भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधा। अखिलेश और मायावती का नाम लिए बगैर अमित शाह ने कहा, महागठबंधन वालों से पूछना चाहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। अभी कहते हैं एयरस्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए। अरे शाम पिटोड़ा दिया, राहुल बाबा को एयरलाइन दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति स्पष्ट है, दुश्मन अगर गोली चलाएगा तो हम गोली से जवाब देंगे। मनीष तिवारी कहते हैं कि इस देश का वायुसेना का जो चीफ है वो ठीक आदमी है। मनीष बाबू, हम तो वो पार्टी है जो देश की वीर जवानों पर गौरव करते हैं, उनको अपने कंधे पर बिठा कर हम आपकी पार्टी के शोभा में जाते हैं। अखिलेश जी, मायावती, राहुल बाबा सब मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूँ, कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान टीवी खोल कर देख लो, उनका आक्रमण देखकर मालूम पड़ जाएगा कि वहां क्या हुआ। सेना के जवानों पर आप भरोसा नहीं करते हो, देश की सेना पर भरोसा नहीं करते हो, किस पर भरोसा करोगे? राजनीति करने की अनेक जगह है, अच्छा मैदान में दो दो हाथ करने के लिए कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मगर देश के शहीदों का अपमान करना बंद करिए, वरना इस देश की जनता आपको इतना दंड देगी कि हिसाब भी नहीं। आप मुझे बताओ, देश चुनाव में जा रहा है, आतंकवादियों को मुंह तो जवाब मोदी जी के अलावे कोई दे सकता है क्या? कोई समर्पण दे सकता है क्या? पाकिस्तान को मुंह तो जवाब मोदी जी के अलावे कोई दे सकता है क्या? देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहे जिसके शपथ लेते ही दुश्मनों के दिल में डर की लख लखी बह जाए, ऐसा प्रधानमंत्री। कहने में कोई संकोच नहीं है, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के समय अब समाप्त हो गए हैं। यहां नरेंद्र मोदी का कश्मीर के अंदर अलगाववादियों की सुरक्षा वापिस ले ली सरकार का अरबों खरबों रुपया। ये जो कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा के पीछे खर्च होता था, करना चाहिए क्या? सारे सुरमाओं को ठंड में पसीने हो रहे हैं, सुरक्षा वापिस हो रही है। जेकेएलएफ पर प्रतिबंध रखा, जमात इस्लामी पर प्रतिबंध रख दिया, अच्छा किया बुरा किया बताओ? अच्छा किया। इनके सारे ठिकानों पर रेड करकर विदेश से जो पैसा आता था इसका कच्चा चिट्ठा पकड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना नेता है ना नीति है ना सिद्धांत है, इस प्रकार का स्वार्थ का गठबंधन बना है, नेतृत्वविहीन गठबंधन है। ये नेतृत्वविहीन गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता, देश को विकास के रास्ते पर नहीं है। जो 15 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा ये खेल दिखाए, दिखाए या नहीं दिखाए? जरा जोर से बोलो, दिखाए या नहीं दिखाए? सपा बसपा के राज में गुंडों से पुलिस डरा करती थी, आज
मोदी जी और योगी जी की सरकार ने कानून का राज लाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्दी यही पश्चिम उत्तर प्रदेश है। केरला यहाँ से दूर नहीं है जहाँ से कोई भी इनका अपमान करने का था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2 साल हो गए, 2 साल किसी की मजाल नहीं है। मां बेटी के सामने आंख उठा कर देख पाए इस प्रकार का पुलिस स्टेशन में जाकर कहते दरोगा जी जरा अरेस्ट कर लो हमारा एनकाउंटर न हो जाए। जो पुलिस पर हमला करता है पुलिस उसको जवाब देती है। ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से गुंडई को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी के गुंडे किसी भी विधवा की भूमि हो सरकार की भूमि हो हड़प लेने में कोई संकोच नहीं करते। होता था या नहीं होता था जरा जोर से बोलो, होता था या नहीं होता था। हमने एंटी भूमाफिया स्क्वाड बनाया, आज करोड़ों रुपए की जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के कुंडाल से मुक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आए दिन दंगे होते थे, दंगे होते थे या नहीं होते थे, दंगे करता था कोई और जेल में निर्दोषों को डाल दिया करता था, डाला जाता था या नहीं डाला जाता था। आज हमारी सरकार आई है, किसी की मजाल नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे करने की हिम्मत करे, किसी निर्दोष को परेशान करने की हिम्मत करे किसी की सरकार हिम्मत नहीं। नेतृत्वहीन गठबंधन उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकता, नेतृत्वहीन गठबंधन देश का विकास नहीं कर सकता, नेतृत्वहीन गठबंधन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी और 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया जिसका भी मन पड़ जाए माथे पर चू नहीं रहते, उप नहीं करते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी। उनको लगा कि मौनी बाबा की ही सरकार है, कांग्रेस की ही सरकार है। पूरी पर हमला किया, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया, सबको लगा क्या होगा, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 15वें ही दिन उरी की घटना के बाद हमारी
स्ट्राइक करके आतंकवादियों का खात्मा किया। आज मुरादाबाद से ही पश्चिम क्षेत्र की चुनाव के प्रचार का अभियान शुरू हो रहा है और मुरादाबाद पार्टी ने इसलिए तय किया है कि इस बार गठबंधन के पराजय की शुरुआत मुरादाबाद से करने का निश्चय था। जनता अपना मत लेकर अगली सरकार तय करने वाली, अगले पांच साल के लिए, अगले पांच साल के लिए किस पार्टी की सरकार होगी, किस व्यक्ति की सरकार होगी, ये तय करने के लिए चुनाव होने वाला है। और अगले पांच साल अपना ये देश कौन चलाएगा ये तय करने के लिए चुनाव होने वाला है। जवाब तो आप दे रहे हैं मोदी जी का, मैं जानता हूं, मगर मैं आज यहां गठबंधन वालों को सवाल पूछ गया है। पूछू सवाल क्या बोलो, पूछू भैया मित्रों, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ चुनाव के मैदान में उतरी और दूसरी ओर राहुल बाबा और बुआ भतीजा गठबंधन लेकर दी। मैं गठबंधन वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, जरा बोलो मुरादाबाद वालों, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। हमारे यहां तो तय है, अगर हमारा बहुमत इस देश की जनता ने दिया, हम चुनाव जीत कर आए, तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी